पूरे देश में NRC, NPR, CAA कानून के विरोध को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा और अन्य संगठनों के द्वारा 29 जनवरी 2020 को भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसी को लेकर गोगांव का मुख्य बाजार भी बंद रहा। इसी और इस काले कानून के विरोध में 31 जनवरी 2020 को गोगांव में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन भी दिया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गोगांव थाना प्रभारी दिलीप गंगराड़े मयबल के पूरे दिन मुस्तैद रहे। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। आज CAA के खिलाफ विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो इस संबंध में गोगांव में भी पूर्ण रूप से बंद है। सुबह से ही सभी व्यापारियों ने इस बंद का समर्थन किया और पूर्ण रूप से बंद रखा है। और यहाँ पर आमजन जो है आ रहे हैं उनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से मार्केट बंद है और सभी व्यापारियों ने इसका समर्थन किया। क्या नाम लिखा? इदरीस नूरी। सारे व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर CAA का पुरजोर विरोध करते हुए हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखी है और हम पूरी तरह से उसका विरोध करते हैं। इस बात को लेकर के पूरे दिन के लिए गोगांव मार्केट बंद रखा गया है। क्या नाम? मेरा नाम शंकर निहाले, एक रेडीमेड व्यापारी गोगांव। CAA, NPR और NRC जैसे काले कानून के विरोध में बहुजन संगठन द्वारा अन्य संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी तारतम्य में गोगांव भी पूर्णतः बंद रहा। आगामी 31 तारीख को गोगांव में इस काले कानून के विरुद्ध धरना ज्ञापन एवं प्रदर्शन किया जाएगा। मैं तमामी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार आज उन्होंने सहयोग दिया उसी प्रकार 31 जनवरी 2020 को भी अपना सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आरिफ हजारी, गोगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।